बीज गड़ाने पहले खेत में क्या करना पड़ता है? बीज गड़ाने से पहले खेत जोता जाता है, डाले बरहा पड़ते हैं, उसके बाद गड़ाया जाता है, जब निकल आता है छोटा छोटा। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृषि पिटारा में मैं संजय राठौर, इस वक्त हम लखीमपुर नगर मोहम्मदी में मकरेना में खड़ा हूँ। वहाँ पे दयाराम किसान है, कई वर्षों से सलना की खेती करते आ रहे हैं। आज हम उनसे जानकारी करेंगे किस तरीके से वो सलना की खेती करते हैं और कितनी लागत आती है उनकी फसल में, फसल बोने से पहले खेत में क्या करना पड़ता है और उनकी फसल में कौन सा रोग लगता है और फिर फसल तैयार उनको कैसा मुनाफा होता है, आज जानकारी करते हैं। जी दयाराम जी, जानकारी दीजिए किस तरीके से आप सलना की खेती कर रहे हैं और पहले खेती करने से पहले खेत में क्या करना पड़ता है? पहले खेत जो है जुताना पड़ता है, फिर डाले बरहा पड़ते हैं, फिर इसे गड़ाया जाता है इतनी इतनी दूर पे जी। उसके बाद निकल आता है जी, फिर इसमें पानी लगता है। अच्छा। हाँ जी, बेड़ के हिसाब से मतलब बेड़ के हिसाब से काम करना पड़ता है इसमें क्या? बेड़ के हिसाब से नहीं, इसका तो बीज गड़ाया जाता है। हाँ। अच्छा। जब इतना इतना हो जाता है अच्छा। तो इसमें फिर पानी लगता है। बीज गड़ाने से पहले खेत में क्या करना पड़ता है? बीज गड़ाने से पहले खेत जोता जाता है, डाले बरहा पड़ते हैं, उसके बाद गड़ाया जाता है, जब निकल आता है छोटा छोटा तो उसके बाद पानी लगता है, इसमें खाद पानी। कितने पानी लग जाते हैं लगभग इसमें? एक महीने में इसमें पानी लग जाते हैं, 12-13 पानी लग जाते हैं फिलहाल इस टाइम। लागत एक बीघे में कम से कम 10-12 हज़ार रुपए आती है इसमें। 10-12 हज़ार रुपए। मुनाफा आपको कैसा होता है फसल? मुनाफा इसमें कुछ नहीं, अब की सब घाटे घाटा है इसमें। 50,000 रुपए का घाटा हुआ इसमें। 50,000 रुपए का घाटा हुआ जी, मुनाफा नहीं हुआ बिल्कुल। मुनाफा बिल्कुल नहीं, 50-60 हज़ार का इसमें घाटा हुआ। अच्छा, रोग कौन सा लगता है इसमें? रोग इसमें सूंड़ी उड़ी लगती है, झांझा वगैरह भी लगता है। हाँ, झांझा भी लग जाता है। तो इसमें आप रोग लगता है, फिर दवाइयाँ आप कौन सी प्रयोग करते हैं? दवाई का ऐसे नाम तो पता नहीं, लाते हैं रख देते हैं डिब्बा, ऐसे ध्यान नहीं है मतलब। अच्छा, अब फसल सही हो रही है? बिल्कुल नहीं, ये तो सब बेकार हो गया, दुकानदार ने बीज गड़बड़ दे दिया, उसी चक्कर में तो सब बेकार बर्बाद हो गए इसमें तो। अच्छा, फसल आपकी तैयार हुई, बेचते कहाँ हैं आप? मोहम्मदी मंडी में। अच्छा, वहाँ पे रेट सही नहीं मिलता है? रेट क्या, जब माल ज़्यादा आता है तो सस्ता हो जाता है, जब माल कम जाता है। इसमें क्या चल रहा है? इस समय कुछ नहीं चल रहा है, बस खाली। अच्छा। लुबिया वुबिया है जो अभी तैयार नहीं है इसमें। भिंडी भी तैयार नहीं है? हाँ, ये भी नहीं तैयार, ये तो खराब निकल गया पूरा, मतलब फसल ही पूरी खराब, पूरी फसल खराब हो गई, बीज बांझ वाला निकल गया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए मुझे। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।